आपको बता दें एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल का दौरा पड़ने से निधन की यह खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के पारिस दामा की यह खबर है, बेहद दुखद खबर। बिग बॉस 13 के विनर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है, उनका निधन हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनका निधन हुआ। हाल ही में बिग बॉस 13 के वो सदस्य रहे, फिर उसके बाद बिग बॉस उन्होंने जीता और बेहद ही लोकप्रिय चेहरा, कई प्रोजेक्ट्स उनके पाइपलाइन में थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। मुंबई के कूपर अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 40 साल की उम्र सिद्धार्थ शुक्ला की रही, ये बेहद दुखद खबर। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन। पारस हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। पारस, बेहद दुखद खबर, हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। जी रुपिका, बेहद दुखद खबर सामने आई है सुबह में, जहां पर उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। पिछले दिनों सिद्धार्थ एक एक्टिव एक्टर रह चुके हैं, बहुत सारी सीरियल्स में हमने उनको देखा काम करते हुए, बहुत सारी फिल्मों में भी हमने देखा हुआ उनको काम करते हुए, बट अचानक जब आज ये खबर सुबह सुबह पता चली, उसके बाद पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में शॉक की बाहर एक शॉक हो गए हैं लोग, क्योंकि बीते दिनों सिद्धार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि सिद्धार्थ बीमार रह रहे थे या सिद्धार्थ के साथ कोई दिक्कतें थी, वैसा कुछ नहीं था। मगर आज ये जब खबर आई तो सारे लोग शॉक रह गए। सिद्धार्थ का निधन हो गया है, हार्ट अटैक आया उनको, उसके बाद उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनकी जो डेथ है वो हुई है, बाकी की इंफॉर्मेशन बहुत जल्द जो है वो आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। अभी के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना जो है, दुखद बात जो है वो सामने आई है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और पिछले दिनों भी ऐसे कोई बातें नहीं थी कि सिद्धार्थ बीमार है, तो ये बहुत शॉकिंग है कि अचानक सिद्धार्थ शुक्ला की जो है वो मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक के वजह से। बिल्कुल पारस दामा, किसी तरह की कोई बीमारी उन्हें नहीं थी, अपनी बॉडी को लेकर वो बहुत संजीदा थे, एक्सरसाइज वर्कआउट के तमाम वीडियोस तस्वीर हम देखा करते थे, और ऐसे में ये बेहद चौंकाने वाली खबर। क्या अस्पताल की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है और क्या फैमिली मेंबर्स इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं? फैमिली मेंबर्स अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, बट अस्पताल की तरफ से ये पूरी जो खबर चीजें हैं वो कंफर्म कर दी गई हैं। फैमिली मेंबर्स से अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, और इस समय शोक की लहर उनके परिवार के में होगी, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला थे, सिद्धार्थ शुक्ला हर किसी के साथ सही से रहते थे, बहुत बढ़िया किस्म के इंसान थे, वहीं इंडस्ट्री में भी उनका बहुत नाम था, टेलीविजन इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम था। पिछले कई सालों से वो रियलिटी शोज कर रहे थे, उस बीच ऐसी खबर आना वो बहुत ही एक शौक की बात है। टीवी इंडस्ट्री भी शौक में है, कुछ लोग तो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर आज ही हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हुआ है। आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि जो है वो हॉस्पिटल कर चुका है। उनकी फैमिली से अभी बात नहीं हो पाई है, उनके परिजन जो है अभी बात नहीं की है इस पूरे मैटर पर, बहुत जल्द जो है इसके भी अपडेट्स आएंगे, इससे भी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल पारस दामा, और इस खबर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम और आप ये बात कर रहे हैं लेकिन हम वाकई गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि बेहद ही लोकप्रिय चेहरा, मासूमियत उनके चेहरे पर थी, और एक युवाओं के लिए एक आइडल के तौर पर उन्हें देखा जाता था, और जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए नजर आ रहे थे, उनके फ्यूचर को लेकर हर कोई ये दावा कर रहा था कि देखिए एक उभरता हुआ सितारा है बॉलीवुड में, लेकिन उससे पहले ये बेहद दुखद खबर। आप ये बताइए कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कोई जानकारी ऐसी मिल पाई है कि किसी तरीके की वो मेडिसिन लिया करते थे, या किसी बात को लेकर कोई परेशानी थी, या किसी बात को लेकर वो चिंतित थे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बात सामने आई थी पहले भी। सिद्धार्थ शुक्ला बड़े ही प्रेम भाव इंसान थे, पूरी तरीके से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, अपने दोस्तों के साथ रहते थे, अपनी माँ को संभालते थे, अपनी माँ के साथ रहते थे, और कभी भी ऐसी बातें सामने नहीं आई जहाँ पर ये लगे कि वो कोई बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनको कोई दिक्कतें हैं। ऐसी कोई भी
चीज जो है वो सामने नहीं आई थी, मगर जिस तरीके से आज खबर आई वो बेहद दुखद खबर है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी बॉडी को लेकर बड़े संजीदा थे, बहुत मेहनत करते थे और ऐसी कोई भी चीज नहीं करते थे जो उनके एक्टिंग करियर को हार्म करे या उनको दिक्कत पहुंचा सके। ऐसे में ये खबर जो है बड़ी दुखद है। ना ही उनको कोई वो कोई बीमारी से ग्रस्त थे या कुछ, ना ही उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिससे वो दिक्कत हो उनको। ये बड़ी दुखद खबर है, बड़ा शॉकिंग है सबके लिए, खासकर टेलीविजन इंडस्ट्री के लोगों के लिए जो उनके साथ काम कर चुके हैं। बॉलीवुड में भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट किए हैं, वो अपने करियर के चरण शिखर पर थे। जिस तरीके से कुछ रियलिटी शो में उन्होंने काम किया, उसके बाद भारत के जो भारत का सबसे बड़ा टेलीविजन शो माना जाता था उन्होंने उसमें भी काम किया था। इसके बाद उनके पास बॉलीवुड के भी कई प्रोजेक्ट थे, आगे आने वाले दिनों में भी उनके पास कई प्रोजेक्ट थे जिनको उनको काम करना था, वो बॉलीवुड के हो या फिर टेलीविजन के हो। उस बीच ये खबर आना बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल पारस, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये बेहद दुखद खबर, अफसोसजनक खबर, सिद्धार्थ शुक्ला एक उभरता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो कि हाल ही में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए नजर आ रहे थे, बिग बॉस 13 के वो विनर रहे, और अब ये खबर कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। हालांकि अस्पताल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन अभी तक परिवार वालों से हमारी बात नहीं हो पाई है। परिवार वाले अभी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये खबर बेहद दुखद है। पारस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पारस, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों की अगर बात की जाए तो उनके परिवार में कौन कौन मौजूद हैं और अस्पताल में इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के सदस्यों में से किन किन की उपस्थिति इस वक्त अस्पताल में है? ऋतिका, जो खबर आई है वो बेहद दुखद खबर है जो सामने आई है। करीबन 9:25 उनको मुंबई के कूपर अस्पताल में लेके जाया गया था जब उनकी मौत हो गई थी। ये बड़ी दुखद खबर है क्योंकि जिस तरीके के व्यक्ति सिद्धार्थ शुक्ला थे, हर किसी से उनकी दोस्ती थी, इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा नाम था उनका। टेलीविजन इंडस्ट्री में उन्होंने शुरुआत की थी, भारत का सबसे बड़ा शो माना जाता है, उसी शो में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। उसके बाद वो अपने करियर के शिखर पे थे, उसके बाद कुछ रियलिटी शोज उन्होंने किए, उनका करियर ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था। कुछ भी ऐसी समस्या नहीं थी उनके करियर को लेके पिछले कुछ समय से, जब वो जैसे लगे कि वो कुछ चिंतित थे। बट जिस तरीके की खबर आज सुबह आई है वो बड़ी ही शॉकिंग खबर है जो सामने आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तकरीबन 9:30 के आसपास उनको मृत हालत में ले जाया गया था मुंबई के हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल में। उनकी माँ जो है वो उनके साथ रहती थी, उनके माँ के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत अलग था। उनके माँ के साथ वो बेहद ही क्लोज थे और हमने अक्सर देखा था कि वो कहीं भी जाते थे उनकी माँ उनके साथ रहती थी। उनकी माँ ने जब वो अपने करियर के शिखर पर नहीं थे तब भी उनकी माँ के साथ जो रिलेशनशिप थे, माँ ने उनको बहुत संभाला है। सिद्धार्थ ने कई बार कहा था कि उनकी माँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी माँ ने उनको हर जगह संभाला है। उनकी माँ जो है वो हो जा सकती हैं, हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं क्योंकि उनकी माँ के साथ जिस तरीके से माँ ने उनको पूरी संभाला था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इस तरीके की खबर आने के बाद हम सोच सकते हैं कि वो कितनी शॉक में होंगी, हम सोच सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के लोग कितने शॉक में होंगे क्योंकि सिद्धार्थ हर किसी के साथ फ्रेंडशिप थी उनकी, हर किसी के साथ दोस्ती थी, हर किसी को सपोर्ट करते थे। जिस तरीके से उनका करियर ग्राफ भी रहा पिछले कुछ सालों में, रियलिटी शोज हो या टेलीविजन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद, आने वाले दिनों में उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि ऐसी क्या चीज हो गई या फिर क्या हुआ होगा कि हार्ट अटैक आया। मगर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं थी कि उनके पास काम नहीं था उसकी वजह से वो टेंशन में थे या उनकी वजह से चिंतित थे, ऐसी कोई खबरें नहीं थी, ना ही ऐसा कुछ था। वो बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, साथ ही साथ ऊपर कैसे जाना है, किस तरीके से अपना करियर ग्राफ बनाना है, वो अच्छे से चीजों को संभालते थे और आगे बढ़ते थे। बिल्कुल, टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुके थे इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला और उभरता हुआ चेहरा। विवेक इस वक्त सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर किसी के साथ इस तरीके से मुलाकात करना कि वो उनसे पहली बार नहीं कई बार मिल चुके हैं, और ऐसे में ये खबर आना कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी निधन हो गई है, विश्वास कर पाना वाकई बेहद मुश्किल हो रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए काफी बेहद मुश्किल हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला एक बड़ा फेस था टीवी इंडस्ट्री में, और जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस को जीता था तो उनकी फेम जो है वो काफी हद तक काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जो उनका जो बहुत बड़ा सीरियल था बालिका वधू, उसमें भी उन्होंने काफी ज्यादा नाम कमाया था, लेकिन उनकी एज महज 40 साल की उम्र थी और 40 साल की उम्र में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। और बताया जा रहा है कि जब ये हार्ट अटैक आया था तब वो अपने घर में अपनी माँ के साथ मुंबई के सबर्ब इलाके में है, उनका घर है, वहां पर रहते थे। तो किसी तरह से दोस्तों की मदद करके एम्बुलेंस को बुलाया गया और मुंबई के जो सरकारी अस्पताल है कूपर अस्पताल में उनको वहां पे ले जाया गया। जब डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह एग्जामिन किया तो पता चला कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी डेथ हो चुकी है, और आज सुबह तकरीबन 10:30 पर उन्हें ऑफिशियल डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक बड़ा सितारा थे टीवी इंडस्ट्रीज में, और उनका ग्राफ भी था काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह हमारे संवाददाता पारस बता रहे थे कि उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था, मतलब काम को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं था, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो भी उनकी काफी ज्यादा अच्छी थी, पैसों को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं था। उसके बावजूद भी 40 साल की इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना अपने आप में बड़ी बात है, और जिस तरीके से उनका एक बड़ा नाम था टीवी इंडस्ट्री में, तो टीवी इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस उनके साथ काम करते थे, सालों उनके साथ उन्होंने समय बिताया, उनके लिए बड़ी दुख की घड़ी है कि एक नामी चेहरा, एक बड़ा चेहरा जो टीवी इंडस्ट्री में था, अब उसकी मौत हो चुकी है। रितिका बिल्कुल विवेक, लेकिन क्या इस तरीके की कोई खबर मिल पाई है कि सोने से पहले उन्होंने कोई मेडिसिन ली थी या किसी तरीके का कोई तनाव था? क्योंकि इस बात को अगर हम बोल रहे हैं कि किसी तरीके की कोई परेशानी उन्हें नहीं थी, किसी बीमारी से वो ग्रसित नहीं थे, और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाना, क्या वाकई यही मेन वजह हो सकती है या फिर कुछ और जानकारी भी मिल पा रही है आपको? ऋतिका देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें फाउल प्ले जैसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अब उनकी मां के ऊपर ये पूरा कॉल रहेगा कि वो उन बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहती हैं, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई बॉडी अस्पताल पहुंचती है और अस्पताल उसे डिक्लेयर करते हैं कि डेथ है, तो परिवार के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इसमें वो पुलिस की सहायता ले सकते हैं कि नहीं। अगर उनकी मां को लगता है कि इस पूरे मामले में कोई फाउल प्ले हुआ होगा या फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ खाया पिया या फिर कुछ दूसरी मेडिसिन होगी, तो वो उनकी मां पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। पुलिस की कंप्लेंट करने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा, लेकिन ये लीगल प्रोसेस होता है कि इसमें जो विक्टिम फैमिली है उन्हीं के साइन पे या फिर उन्हीं के कहने पे ही आगे की प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन जो अब तक हमें जानकारी मिल रही है उससे साफ लग रहा है कि जो सिद्धार्थ शुक्ला है उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और आज सुबह अंधेरी स्थित जो सरकारी अस्पताल है मुंबई का कूपर हॉस्पिटल, वहां पर उनके बॉडी को ले जाया गया था और वहां पर मृत घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये पूरी फॉर्मेलिटी चल रही है कि जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन उनकी फॉर्मेलिटी चल रही है, तो परिवार है वो काफी ज्यादा दुख की घड़ी में, और धीरे धीरे जो वहाँ के टीवी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के काफी नजदीक माने जाते थे वो भी धीरे धीरे अब मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे और एक बार फिर से एक और सहयोगी का रुख कर लेते हैं। पारस देखिए, क्योंकि वो सीरियल बालिका वधू जिसके जरिए घर घर में अपनी पहचान सिद्धार्थ शुक्ला ने बनाई थी और बेहद ही लोकप्रिय वो सीरियल रहा था, और इसी के बाद से लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी सामने आ रही थी, और ना केवल बिग बॉस 13 उन्होंने अपने नाम किया था बल्कि खतरों के खिलाड़ी का जो 7वां सीजन आया था तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी। और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला जिनको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बॉलीवुड में अगला कोई चेहरा होगा तो वो फिर सिद्धार्थ शुक्ला ही होंगे। जी बिल्कुल रितिका, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से उनका करियर ग्राफ रहा था वो बहुत बढ़िया रहा था, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, टीवी शोज हो, रियलिटी शोज हो, उनको ऑफर्स कंटिन्यूज आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अगर कोई बड़ा चेहरा सामने आ रहा है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग से टीवी इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी जब उनका डेब्यू हुआ था बालिका वधू में। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिद्धार्थ को देखना पसंद करते थे उस शो में। बालिका वधू तो एक लैंडमार्क शो था ही, मगर साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला का जो कैरेक्टर था उस पूरे शो में वो भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उसके बाद उनका करियर ग्राफ जो है वो चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, रियलिटी शोज मिलते गए, एड शूट मिलते गए, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, कितनी सारी एड्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके। उसके बाद वो फिल्म उन्होंने डेब्यू किया था बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, उससे उनको बहुत ज्यादा फेम मिला, और आने वाले समय में भी सिद्धार्थ शुक्ला बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने वाले थे जिनसे उनका करियर ग्राफ और ऊपर जा सकता था। और ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ
सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा फेस बन सकते हैं जिसकी जरूरत बॉलीवुड को थी या हो सकती थी, मगर इस बीच ये खबर आना ये बेहद दुखद है। जिस तरीके से उनका काम करने का स्टाइल था वो बहुत वर्सेटाइल थे, हर कैरेक्टर में वो काम कर सकते थे। साथ ही साथ जिस तरीके का शो उन्होंने किया था वो बहुत पेचीदा शो था, लोगों को जो शो था वो बहुत पेचीदा था क्योंकि एक अलग कहानी थी, एक सत्य कहानी थी जिसमें ये पूरी जो कथा थी वो पूरी शो था वो बेस था जो होता है उसमें। उन्होंने पेचीदा कैरेक्टर प्ले किया था, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। उसके बाद जैसे ही उनका करियर ऊपर गया जब फिल्म में डेब्यू किया। पारस आपको रोकना चाहिए, इस पर टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन हमारे साथ मौजूद है। सौम्या, बेहद दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं आप? मैं बहुत ही ज्यादा पहली बार तो शॉक्ड हूँ और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये खबर सच है। और मुझे, मैं एक्चुअली इतनी ज्यादा शॉक में हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत दुख हुआ, इट्स वेरी शॉकिंग। इतनी यंग एक्टर विद सो मच ऑफ पोटेंशियल, इट्स रियली वेरी वेरी सैडनिंग। और मैं सोच सकती हूँ कि उनके जो परिवारजन हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनके परिवार के लोगों को इतनी शक्ति मिले कि वो इसको झेल पाए। सौम्या, आप सिद्धार्थ के बारे में कुछ बता पाए, कोई एक ऐसी बात जो कि हम सभी इस वक्त जानना चाहते हैं? और जब आप सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सोच रही हैं तो कोई ऐसा मोमेंट जो कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हो? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सिद्धार्थ के साथ कभी काम नहीं किया और ना ही मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। मुझे सिर्फ आप ही लोगों ने फोन करके बताया कि ऐसा हो गया है, तो मैं अभी फिलहाल तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ अपना दुख और उनकी तरह उनके परिवार वालों के लिए